हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं ज्योति जोशी कांडपाल स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग पंखुड़ी बागेश्वर में। और आज के ब्लॉग में मैं जाने वाली हूँ अपनी नानी के घर और ताई जी के घर, पाखी और मम्मी को लेके। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तैयार हैं हम, ये भी तैयार हैं। पिछले ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि मैं गई थी दीदीरो के घर और उसी से मैं दौड़ दौड़ के आई हूँ। और देखियो टाइम कितना हो रहा है, 11:30 से ऊपर हो चुका है, 11:30 से ऊपर हो ही चुका है। और निकल रहे हैं अब हम वहाँ को, चलते हैं। अभी पहुँच चुके हैं हम लालकुआ, और लालकुआ में हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बगुआ? केक। केक ले रहे हैं, वो भी सरप्राइज है जिसके लिए ले रहे हैं। तो चलिए आप ब्लॉग में देखते रहिए आगे कि हम किसके लिए ले रहे हैं केक। फिलहाल बर्थडे था कल, लेकिन केक बनाएंगे हम आज। हम ऐसा हो ही नहीं सकता जब केक ना काटे। तो अभी आ गए हैं हम शॉप में। कौन सा केक पसंद आ रहा है दोस्तों आपको? ये देखो केक, केक 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 पंखु, केक 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 पंखु, केक केक पंखु। कौन सा केक चेना है देखो, कौन सा केक चेना है आपको? अच्छा ठीक है, ओके चेना। तो दोस्तों ये है लालकुआ की बाजार। तो फाइनली पूरे 1 घंटे बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नैनीहाल, और नैनीहाल पहुंच के मैं मिल चुकी हूँ। तो ये है कुछ हमारा नैनीहाल का, ये यहाँ भी लगे हैं वही प्याज और लहसुन, और यहाँ सब बैठे हुए हैं। मैं मिलाती हूँ आपको सबसे। हाँ बस एक सेकंड, पहले ना हम सबको सबसे मिलाते भी तो है ना। यही है मेरी मामी जी, बड़ी मामी, और छोटे मामा की तो अभी शादी नहीं हुई है। तो ये है बड़ी मामी हमारी, और ये है मम्मी, माता जी, माता रानी, मेरी नानी, और ये हूँ मैं। आ चुके हैं मामी जी के वहाँ, और अब यहाँ आके कुछ हमारे लिए नाश्ता पानी तो बनेगा ही बनेगा, खाना खाएंगे यहाँ। तो देखते हैं क्या क्या बनाया है नानी मामी जी ने आज। हेलो दोस्तों, हेलो चाचू, कैसे हैं आप? मेरे चैनल को पूरा देखना, ठीक है? बाय बाय। तो आ गया है हमारे लिए दाल चावल सब्जी और अचार, प्याज और मूली, नमक। साथ में पंखु खा रही है नमक, खीरा नहीं है ये, मूली है दोस्तों। तो अब खाते हैं हम खाना, और फिर उसके बाद गपशप मारते हैं। तो फिलहाल हमने खाना खा लिया है, और खाना पीना खाने के बाद मामी तो हो रही है बर्तन, और मैं आई हूँ बाहर थोड़ा सा नैनीहाल की कुछ यादें ताज़ा कर दूँ, और आप लोगों को भी बता दूँ कि क्या कुछ हम करते थे बचपन में। क्योंकि हमारा जो था ना वो था, 1 महीना हम नैनीहाल जाते थे और 1 महीना हम आते थे जाते थे अपनी बुआ के घर। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बुआ के वहाँ भी ज़रूर जाऊँगी, और आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी पुरानी यादें हैं मैं ज़रूर ताज़ा करूँगी। और फिलहाल मैं नैनीहाल, तो पता है सही बोलूँ तो नैनीहाल आके ना, आपकी लैंग्वेज में इसे नैनीहाल बोलते हैं, किसी की लैंग्वेज में इसे नानी के वहाँ बोलते होंगे, लेकिन हमारी लैंग्वेज में और हमें जो सिखाया जाता था उसकी लैंग्वेज में हम बोलते थे, हम अपने मालाकोट आए थे। तो आप लोगों को कितने लोगों को हंसी भी आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज हमें जो सिखाया जाता था कि जब मालाकोट चलेगा, मालाकोट पता नहीं मालाकोट क्यों कहते थे, आज तक समझ में आया, लेकिन अब हम बोलते हैं अपने नैनीहाल जा रहे हैं या माकोट जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में बोला जाता है माकोट, और मेरे
हाँ माकोट मालाकोट बात एक ही है, क्योंकि हिंदी में मालाकोट जाता है और वैसे माकोट हो जाता है पहाड़ी में बोले तो हम कुछ ऐसे बोलते थे बचपन में, और लेकिन अब तो नैनिहाली बोलते हैं, नानी के घर बोलते थे। तो ये जो आपको घर दिखाया है दोस्तों, यहाँ पर पहले झोपड़ी हुआ करती थी इस टाइम, जबकि मेरी शादी से कुछ टाइम पहले, एक आध साल पहले यहाँ पर ये मकान बना हुआ है। पहले यहाँ पर मकान नहीं था, ये पूरे कवर में मतलब जहाँ तक कि आपको लहसुन प्याज दिखे होंगे, यहाँ तक पूरी झोपड़ी थी, और इतनी पीछे इतनी जगह थी, इस पूरे एरिया में झोपड़ी थी, और मतलब ना काफ़ी अच्छा लगता था मैं उस झोपड़ी को, बहुत रौनक लग रही थी। अब मकान है, अब तो सब कुछ है, मतलब देखिए अभी इतने अच्छे पेड़ पहाड़ सब कुछ लगा रखा है, और यहाँ सामने से भी बहुत इतना सब कुछ नहीं था, ये जो सामने से लगा सब कुछ नहीं था, इसमें भी बहुत कुछ अलग अलग सी चीज़ थी, कम एरिया में था, और यहाँ पर से इधर को रोड थी, इधर को रोड नहीं थी पहले, इधर से रोड आती थी, अब रोड इधर बना दी गई है, और यहाँ पर भी ये घर है हमारे ही मतलब नानी लोगों की बिरादरों का, मतलब क्योंकि चाचा जी का घर है ये सामने, और मतलब अब तो काफ़ी चेंज भी हो गया यहाँ, मतलब पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी चेंज हो गया, मैं शादी से पहले चेंज हो गया था, पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो दिखा नहीं पाई, कि अब मैं ब्लॉग बनाती थी तो अब मैं दिखाती हूँ, और अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे का सीन, हमारी मामी जी, और ये है वो घर जो बाद में बना है, मतलब मामी जी के आने के बाद सब कुछ मामी जी की मेहनत और मामी जी के लगन से, और सब कुछ मतलब हमारे हिसाब से, जैसे कहते हैं कि ना जब औरत आ जाती है तो घर बना देती है, तो फिलहाल वही हुआ है। पहले कुछ झोपड़ी वगैरह थी, तो ऐसा नहीं था कि उसमें भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन घर को स्वर्ग बनाना एक औरत के हाथ में होता है, और जब से मामी जी आई हैं तब से बहुत कुछ नया 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 हुआ है हमारे नैनिहाल में। और जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये हमारी मतलब यहाँ का मंदिर है, पूज्य मंदिर, हमारे गंगनाथ का मंदिर है ये, और ये जानवर हमारी मामी जी ने पाले हैं, ये औरतों का एडिशनल काम हुआ जो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि खेती बाड़ी है तो सामने काम करने में क्या दिक्कत है, काम कर लो तो कोई गलत नहीं है। तो यही है, ये है जानवर मामी जी लोगों के, और ये बनाया है गोट, ये गोट भी वादियाँ बनाया है, शादी से पहले बनाया है सब कुछ, लेकिन वैसे पहले बना दिया है। तो यही है कुछ यहाँ का खेत जो है मामी जी लोग के उधर साइड है, और जहाँ हम एरिया में आए हैं वो एरिया है हमारा शांतिपुरी का एरिया, शांतिपुरी के एरिया में आए हैं, ये मेरा नैनिहाल है, और ये देखो अभी देखो मेरी मम्मी आ गई है, मम्मी गई थी पड़ोस में मामी जी को देखने, मामी जी की ऑपरेशन हो रखा था उनका, तो उनको देखने गई थी, तो अभी देखो मेरी नानी और मेरी मम्मी आ रही है, अब मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ, तो ये जो सामने का आपको मकान दिख रहा है ना, ये है मेरी अम्मा की जेठानी का मकान, और इस मकान में जो है सबसे बड़ी कहानी ये है कि यहाँ भी मम्मा की जो जेठानी रहती थी ना, वो बहुत अच्छी थी, बहुत दोस्त। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम आए हैं ताई जी के वहाँ, हाँ, और ये हमारे दादा की लड़की ताई जी हमारी, तो दोस्तों फाइनली कुछ तो निकल रहा है, आज कुछ तो निकल रहा है, तो फाइनली ये है केक, और ये है हमारा बर्थडे बॉय, और जितनी एक्साइटमेंट में तो मेरी पंखू है, तो वो ही कह रही है कि मैं कैंडल लगाऊंगी, देखो बर्थडे हो गया।
और दोस्तों ये है हमारी मामी जी। इतना शर्मा कितना रही है, देखो देखो जरा सर, जो ज्यादा शर्मा जाता है ना उसको ऐसे दिखा। तो दोस्तों यही थे हमारे माँ नैनीहाल का के मामी लोग। तो आज का ब्लॉग में हम इतना दिखा रहे हैं और आगे मैं जहाँ जहाँ जाते रहूँगी मैं तो सबका दिखाते रहूँगी। तो फिलहाल ये सब था हमारा साथ और मैं बचपन से काफ़ी आती रहती थी तो इन सब के संग आते भी रहना। बागेश्वर से यहाँ शायद दूसरी या तीसरी बार आ रही हूँ इस बार, क्योंकि पाखी को लेकर तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं। तो दोस्तों ये हैं हमारी मामी जी, जो पहले मैंने अभी आपको घर दिखाया था ना नैनीहाल के जस्ट बगल में, तो मामी जी लोग वहीं रहते थे। ये है बड़ी मामी और छोटी मामी गई है अंदर, और अभी छोटी मामी आएंगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। फिलहाल ये देखिए, ये हैं हमारे छोटे मामा, ये है मामी जी। तो ये है छोटी मामी। आपके वहाँ जाने के बाद अभी हम पहुँचे हैं ताई के वहाँ, मम्मी की दीदी के वहाँ। ये है मम्मी की सबसे बड़ी वाली दीदी और दीदी का लड़का ये है मेरा भाई, मेरा दोस्त। जब मेरे लिप से क्या हो गए ये जो हरे हरे क्यों ना दगड़ी हुई ऐसी हो, पता क्या हो रहा है। ये है यही वो चेहरा है, ये है संजू भागल और ये हमारी ताई। तो तू तो यार दाई तुम्हारे मतलब यो मैच ही पे। अच्छा इसके बाद आई हमारे लिए चाय और पकौड़ी। चाय तो मैं पीती नहीं, पकौड़ी आई। पकौड़ी भी मैंने एक हाथ खाई, मैं वैसे पकौड़ी पसंद नहीं करती हूँ। जो मेरे अपने हैं वो मुझे उनको पता होगा। और यहाँ पे हमारे भाई साहब खा रहे हैं चाय का आनंद और पकौड़ी का आनंद साथ में ले रहे हैं। कैसी हो रही भाई साहब चाय पकौड़ी दोनों? जबरदस्त। और हमारी ना पंखुड़ी भी खा रही। पंखु कैसा हो रहा है बेटू? अच्छा हो रहा है। अच्छा तो उसके लिए हम थैंक यू कहेंगे भाभी जी का। अब जाते हैं हम किचन में और दिखाते हैं भाभी जी ने बनाई है कुछ पकौड़ियाँ। ये देखो दगड़ी, ये अभी भी बन रही हैं पकौड़ियाँ। दोस्तों मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपने भाई की लड़की। ये देखो कितनी क्यूट थी, कितनी प्यारी थी। और सही बताऊ ना, इसका नाम भी पंखू है। पंखू ये आपकी बहनी है ना? पंखू ये आपकी बहनी है ना? दूध पिला दे, मैं भाव को दूध पिला दे। छुपल भूख लग गई उस तो देखो। ये देखो अभी ठंडा है ना, सब गर्म करके पिलाएंगे। हाँ ये देखो 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 हमारी पंखु को देखो कितनी प्यार से पिला दिया। ठंडा दूध नहीं पिलाते बेटू, गर्म करते हैं दूध, गुनगुन गुनगुन करते हैं ना। इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी ताई जी लोगों के वहाँ। जो मेन थी ताई जी उनके वहाँ आना था, और अब ताई जी लोगों के वहाँ आके सीधे वहीं को जाना हो रहा। ताई जी को दिखाती हूँ कैसी हो रही है ताई जी फिलहाल, क्योंकि मम्मी लोग तो हम तो आ गए थे, मतलब 10-5 मिनट हो गए हैं बैठे हुए। और ताई जी बैठी हैं, ताई जी सोई हुई हैं, ये है मम्मी, तो ये है ताई जी। और सामने चल रहा है मेरा ब्लॉग। तो दोस्तों ये है ताऊ जी और नीचे सोई हुई है ताई जी, ये है मम्मी की दीदी और जीजा जी। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रात को हमें आने में टाइम लग गया था, करीबन 7:15 हो गया था, तो मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो ब्लॉग को मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ रात वाले को। तो ताई जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब करीबन 1 साल हो गया है उनकी तबीयत ख़राब हुई। अब तो उनकी जो आँखों की रोशनी है वो रोशनी भी नहीं रही, वो केवल लेटे रहती हैं, उन्हें उठने का भी हिम्मत नहीं आती। तो बहुत बुरा लगता है। ताऊ जी हमारे पहले बहुत अच्छे खासे थे हेल्थ में, लेकिन अब धीरे धीरे वो
कमजोर हो रहे हैं क्योंकि घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और दो बेटे हैं उनके। और आपको मैंने एक बेटे से मिलाया भी है जिसका नाम है जग्गू, और जो मेरे मायके में सॉरी ससुराल में भी आया हुआ था, और बीच में मैंने उससे स्कूटी भी ली थी, ये बताया था मैंने आपको। तो बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा बीमार हो जाते हैं और बहुत बुरा लगता है दोस्तों कि कोई अपना क्या कोई पराया भी अगर ऐसे कोई बीमार होता है। और इतने मतलब ख़ास तौर पे ना लेडीज़ हैं क्योंकि उन्होंने पूरे घर की बागडोर संभालनी होती है और संभालती हैं, और उसी बीच में अगर उनको कुछ हो जाता है और उनके साथ साथ तो ना पूरा परिवार वो हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्योंकि ताऊ जी हमारे इतने अच्छे थे, इतने हेल्थ में भी अच्छे थे, और लास्ट में वो ऐसे पतले से दुबले से हो, मुझे तो खुद ही देख के इतना बुरा लग गया था सबको। और सच में मैं ना अंदर से ऐसी हो गई थी, मैं जब भी हल्द्वानी आती हूँ मैं ज़रूर ताई जी लोगों से मिलने जाती हूँ, और मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, हमारे हाथ में और कुछ होता नहीं है लेकिन मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ना अपने दिल में तसल्ली मिल जाती है कि हमने इनको देखा है भी अब कैसे हैं करके। क्योंकि अगर हम मिल के नहीं जाएंगे ना तो मन में हमेशा वो रहेगा एक टेंशन सी, हम मिले नहीं, हम वैसे ही चले गए। और सबसे अच्छी ताई जी ये इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ मैं इन्हें, और ये भी हमेशा बहुत अच्छे आदर से रही हुई हैं, बहुत प्यार करती थी हम लोगों से, सबसे प्यार करती हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताई जी के लिए प्रे करो दगड़ियों कि लगी अगर ताई जी छू तो सब पूर परिवार छू दुई चल छन उन्हें ब्यालय हूँ छू नंदी न्यानी है रो, तो सब ने भी ज़्यादा तुम भगवान दे प्रार्थना करो कि ताई जी हमार सकुशल सही है जाए, उन्हें आखने रोशनी वापस है जा, कि लगी इलाज करवा लीजिए सोचनिया, लेकिन इलाज करवा लीजिए दगड़ चाहे दगड़ नहीं मिलनो, अब जब भय ब्याह होल तब दगड़ मिलो तब हॉस्पिटल ली झून या शहरो दिमाग में विचार भैक, तब भगवान दे तुम मैं तुम्हें दे कूनी कि भगवान दे प्रार्थना कर दियो विनती कर दियो कि पत हमार विनती तो नहीं होने कि पत तुम्हार विनती काम है जल हम अकला कन्या तब हमार नहीं होने, तुम सभ्य कल्ला कि पत जिदू झनी रे मेरे सब्सक्राइबर छ प्लीज कर दियो, और जिदू झनी में वीडियो देखना छा प्लीज यो विनती स्वीकार कर दियो कि यो भगवान दे यो कह दियो कि हमारे ताई जी तबियत ठीक है जाओ। तो ठीक छो, धन्यवाद, जय हिंद जय उत्तराखंड।